डिफिशियंसी ऑफ मिनरल। टेबल 2.2 लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड देयर रिसोर्सेज, फंक्शन, डिफिशियंसी डिजीज एंड सिम्टम। मिनरल आल्सो असिस्ट टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, कुकिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय देम। अब ये लिस्ट हम देखेंगे कि जैसे मिनरल्स का सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या है और इसके सिम्टम क्या है, और हमारे बॉडी में मिनरल का केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, और कुकिंग जो है डज नॉट डिस्ट्रॉय देम, और खाना जब पकाया जाता है तो ये जो है जो भी मिनरल्स होते हैं डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। मिनरल एंड सोर्स, फंक्शन, डिफिशियंसी डिजीज एंड सिम्टम। कैल्शियम, इसका सोर्स क्या होता है, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसका फंक्शन क्या होता है कैल्शियम का, स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ, यानी हमारे हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है, और एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो है ब्लड को क्लाट करने में भी इसका यूज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट डिकेट्स इन चिल्ड्रेन, बड़े लोगों में अगर कैल्शियम कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, यानी कि जो है हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, और बच्चों में रिकेट्स होता है। ये इसमें सिम्टम क्या होता है, ब्राइटल बोन, हड्डियाँ कमजोर, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी, स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ जो है रुक जाएगा, एंड वीक टीथ एंड बोन, एंड बोन जो है और टीथ जो है कमजोर हो जाएंगे। फास्फोरस, सीयल्स, पल्सेज एंड मिल्क, ये क्या कहता है, स्ट्रेंथ बोन एंड टीथ, यानी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में रिकेट्स हो जाता है इस डिफिशियंसी से। सिम्टम क्या है, वीकेनिंग ऑफ बोन, बोन्स हड्डियों कमजोर होना, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ वेट, यानी इसे कमी से जो है बोन कमजोर होगा, नर्वस सिस्टम कमजोर होगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा और लॉस ऑफ वेट यानी कि वजन कम होने लगेगा। आयरन सोर्सेज क्या होता है, सीरियल्स, पल्सेज, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल, ये क्या कहता है, हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल को बनाने का काम होता है। इससे डिफिशियंसी से एनीमिया होती है। पेल बॉडी कलर, यानी कि जो है बॉडी का कलर जो है पीला हो जाता है खून की कमी से। बॉडी फेटेज, वाइट नेल, लॉस ऑफ वेट एंड स्वेलिंग इन द हैंड एंड फीट। आयोडीन, इसको ये क्या किससे मिलता है, फिश एंड साल्ट से। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इस आयोडीन के जो है ज़रूरत होती है हमारे थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्किंग से, और इसे कमी से ग्वाइटर यानी घेगा होता है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, आयोडीन कमी से जो है बच्चे मंद बुद्धि भी हो सकते हैं एंड रिटार्डेड ग्रोथ एंड शरीर का विकास भी नहीं होता है। सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट सोर्सेस, साल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम, यानी नमक और मोस्ट फूड आइटम होते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस, ये क्या करता है, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, और इसके डिफिशियंसी बॉडी एंड मसल्स वीकनेस, शरीर के जो है मसल्स वीक हो जाएंगे, पैरालिसिस हो सकता है, जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, यानी कि कमजोरी और डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसका जो सिम्टम है। मैग्नीशियम सोर्सेज, उसका होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कियल, चिकन एंड फिश। रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व, वीक मसल्स एंड नर्व, लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टमच एंड स्लीपनेस। जो मैग्नीशियम होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिलता है चिकन में, फिश में, और ये क्या करता है, ये हमारे रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड, यानी कि मसल्स और नर्व के फंक्शन को रेगुलेट करता है। अगर इसका जो है डिफिशियंसी हो जाए तो इसे डिफिशियंसी डिजीज होगी, मसल्स और नर्व का कमजोर हो जाएगा। इसका सिम्टम क्या होता है,
भूख नहीं लगना, पेट हमेशा खराब रहना और हमेशा हमेशा जो है सोते रहना। डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी, वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये जो है वाटर जो है हमारे प्रॉपर बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में इसका यूज होता है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड टू कंडीशन कार्ड डायरिया, यानी कि हमारे बॉडी से ज़्यादा मात्रा में जो है वाटर अगर निकल जाए तो उस कंडीशन को हम लोग डायरिया बोलते हैं। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ साल्ट एंड लीड टू वीकनेस इन द बॉडी। डिहाइड्रेशन क्या करता है, हमारे बॉडी में साल्ट्स की कमी हो जाती है और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। ओरल रिहाइड्रेटिंग सोलूशन ORS कैन बी गिवन द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेटिंग सोलूशन यानी ORS अगर का घोल बना के अगर पेशेंट को दिया जाए तो डिहाइड्रेशन से रिकवर किया जा सकता है। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी हेल्थ PHC पे उपलब्ध होता है, जो स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे। इट कैन ऑल्सो बी मेड एट होम बाई मिक्सिंग टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टीस्पून ऑफ साल्ट इन 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसको घर पे ही बनाया जा सकता है। इसमें जो है ड्रिंकिंग वाटर में 6 टीस्पून शुगर और हाफ टीस्पून साल्ट डाल के इसको बनाया जा सकता है। ओके, योर चैप्टर 2 इज फिनिश। यू राइट कीवर्ड, ये जो भी कीवर्ड है आप लोग इसको राइट कर लेंगे।